टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए। थैंक यू ट्रेलर हमने देखा, जी बहुत ही अच्छा लगा जी ट्रेलर। जी आप जी उससे जानना चाहेंगे कि ये फिल्म क्या कुछ मैसेज देते हुए हमें दिखाई देंगे? ऑब्वियसली फिल्म का एक ही मैसेज जो आई थिंक जब से हमें इंडिपेंडेंस मिला है आफ्टर फ्यू इयर्स वी हैव ऑल कॉन्सेंट्रेटेड ऑन कीपिंग द कंट्री क्लीन। एंड आई थिंक जो ये फिल्म का जो टॉपिक है स्वच्छ भारत, इट्स अमेजिंग। एंड इसीलिए जब मुझे एक छोटा सा पार्ट करने का मौका मिला फिल्म में, तो मुझे ऐसा लगा आई हैव टू, बिकॉज देर आर सर्टन फिल्म जहाँ पे आप लीड हो, आप कितने इंपॉर्टेंट हो और फिल्म में मेरा कितना लेंथ है, दैट डजेंट मैटर। वॉट मैटर्स इज दैट यू आर पार्ट ऑफ अ फिल्म। लाइक टुडे जब वेन यू सी बाहुबली यू फील ओ आई विश आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट। मैं एक एलिफेंट भी होती तो चलता। यू नो देर आर सर्टन फिल्म इन लाइफ दैट यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म इन एनी विच वेज। तो वैन आई वॉज ऑफर्ड दिस आई वॉज लाइक ओ इट्स अमेजिंग। एनी विच वे स्पेशल कैमियो करना था, बहुत एक्ट्रेसेस लोग आती है यू नो इन लॉट ऑफ फिल्म एंड दे गिव अ झलक एंड दे गो यू नो वेर यू सी द डांसेज एंड ऑल दिल जस्ट कम एंड डू अ स्मॉल कैमियो। आई सेड इट डजेंट मैटर, इट्स देयर टू डेट। एंड बॉलीवुड इज नॉट दैट टाइप कि आपको इमिजिएटली स्टीरियोटाइप कर देगा कि नहीं अब अच्छा कैमियो ये। दे अंडरस्टैंड इट एन एक्टर, योर फिल्म इज जस्ट रिलीज, यू डन अ कैमियो बिकॉज द प्रोजेक्ट इज गुड, द फिल्म इज गुड। एंड ऑब्वियसली आई एम अ फैन ऑफ नीरज पांडे फिल्म एंड आई लव ऑल हिज फिल्म। एंड ऑब्वियसली अक्षय कुमार सर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द फिल्म एंड ही हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ एवरीबडीज लाइफ सिंस वी वर ग्रोइंग अप। यू नो आई यूज टू सी ऑल हिज खिलाड़ी फिल्म एंड ऑल हिज कॉमेडी फिल्म। आई स्टिल रिमेंबर this one film which I love till now, it's called Mr. and Mrs. Khiladi. I can see that every day, you know, that was one of my most favorite film when I was young. तो जब आपको मौका मिलता है इतने बड़े मेकर्स और इतने बेहतरीन मेकर्स के साथ काम करने और एक्टर्स जो ओवरऑल इनका यू नो ओवरऑल द गैंग ऑफ नीरज पांडे फिल्म, सो यू वर लाइक वाई नॉट। ऑब्वियसली यू आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू अ फिल्म विच इज़ लिटिल मोर सीरियस एंड यू नो मुझे भी डिफरेंट टाइप की सब्जेक्ट करना है। सो एक एज एन एक्टर आई थिंक एनी एक्टर वुड थिंक कि इट्स गुड टू गेट एसोसिएटेड विद देम। जब आप अपना काम दिखाओगे तब लोगों को पता चलेगा कि यू नो वॉट कैलिबर यू हैव और वॉट ऑल लुक्स यू कैन फिट इन, बिकॉज जनरली पीपल जस्ट you in you know glamour look and sexy look and more modern look. People would never think of me of a traditional girl. And I always wanted to do Neeraj Pandey films from very beginning, from the time I've seen all his films, Special 26 Soya, बहुत पुरानी, आप जो भी फिल्में ले लो या lately जो भी ले लो, biopics ले लो, उसके अंदर specially जो उनकी लड़कियों का character होता है, it's very Indian, very simple. So I was like, why not take this chance and you know be a part of this film. And at least एक तो जो director के साथ आपको काम करने की ख्वाहिश है, आप उनके साथ भी you know उस production में, of course he's not directing this but आप उनके production में भी काम कर लेते हो। And secondly he sees that look in you which he generally likes in girls and I think that was an opportunity for me. And more than that I was like कि ये फिल्म ही इतने अच्छे सब्जेक्ट पे बन रही है विच इज़ स्वच्छ भारत। एंड आई हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिंग स्वच्छ भारत फ्रॉम माई चाइल्डहुड। आई वॉज नेवर अ चाइल्ड हु यूज़ टू लिटर योर एंड देयर, बचपन से ही मैं वैसी थी। आई थिंक हमारा घर का अपब्रिंगिंग ही इज़ लाइक दैट यू नो वेयर व्हेन यू यंग यूर स्मॉल योर मॉम इज़ लाइक थ्रो एवरीथिंग इन द डस्टबिन, थ्रो दिस थ्रो दैट। आई नेवर यूज़ टू, in fact I still remember every Sunday in my old house we used to wash the whole house and I used to be the one who used to scrub the floor. So my mom used to say ke you know thoda sa sabun dalo and you know usko ghason mein itna ghas deti thi aur itna zyada sabun dal deti thi ke uske baad ek ghanta lagta tha just to clear that soap off. So you know that's the reason I think it's very very it is there in me since my childhood only ki I have to keep everything clean. And so jab ye film aayi to I was like yeah why not, this is also something that I believe in. Aap bahut sari filmein karte ho because movie hai, cinematic liberty hai, aap kuch bhi karte ho, but then there are certain subjects that you believe in ki this is what I am as a person. So I was like chalo if even if it's a small portion I am happy that I'm part of it. जी हम स्वच्छ भारत के बारे में एक मिनट, इसको अंदर आप बंद करने बोलो ना, काम अगर 2 मिनट रुका देने बोलो और माई खड़े रहो तुम भी। ओके तो हम स्वच्छ भारत के बारे में बातें करेंगे और आपके किरदार के बारे में बातें करेंगे। उससे पहले जानना चाहिए ये फिल्म आपको कैसे मिली, क्योंकि बहुत ही अच्छी फिल्म है जैसा कि स्वच्छ भारत के बारे में दिखाई जा रही है और एक नेचर के नेचर को स्वच्छ रखने की बात कर। इस फिल्म के लिए आपको कुछ ऑडिशन देना पड़ा या क्या कोई डिफरेंट था? आई डोंट नो, नहीं ऑडिशन तो नहीं देना पड़ा। आई थिंक आई वाज जस्ट जिमिंग इन माय जिम एंड आई गॉट अ मैसेज एंड देन आई कॉल्ड देम अप, दे टोल्ड मी आई एम कॉलिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड आई स्पोक टू देम एंड देन first I thought it was something bigger, but then they told me it's a cameo. So I was like acha, I don't know if I am okay for a cameo now or kya karu. Then of course
आई स्पोक टू फ्यू पीपल, बिकॉज हर इंसान को लगता है अभी तो मैंने एक फर्स्ट फिल्म की एज अ लीड, यू नो इमिजिएटली आई डोंट वांट टू जंप इनटू समथिंग एंड पीपल कैटेगराइज. डर होता ही है ऑब्वियसली, बिकॉज आई हैड, इट टुक मी 2 years टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप के आई डोंट वांट टू डू अ कैमियो आफ्टर जय हो, एंड इट टुक मी 2 years टू गेट मी वजह तुम हो एज अ लीड. सो आई डोंट वांट टू गो बैक टू द सेम थिंग अगेन एंड फील के अगेन आई डू अ कैमियो एंड अगेन आई गो बैक टू स्क्वायर वन. सो आई वॉज लिटिल, यू नो मेरा माइंड थोड़ा यहाँ हुआ था एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, बट अंदर ही अंदर था नो, बट आई वॉन्ट टू वर्क. बट इन बॉलीवुड देर आर सर्टन सिचुएशंस इन योर इनिशियल ग्रोइंग ईयर्स, आई थिंक इन माई दिस टाइम एंड आफ्टर वजह तुम, आई वॉज लाइक यू नो अंदर से आई वॉन्ट टू डू द फिल्म, बट बाहर से आई एम थिंकिंग विल इट वर्क फॉर मी, इट शुडंट बिकम के पीपल आर जस्ट वेटिंग के नहीं अभी आपने ये कर लिया अभी आप यही कर सकते, यू नो बिकॉज इट्स वेरी क्विक फॉर पीपल टू डू दैट. सो आई थिंक दैट वॉज देयर इन माई माइंड के करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, ऐसा भी नहीं दैट आई एम थ्रू आउट इन द फिल्म, यू नो इट्स अ कैमियो, इट्स अ प्रॉपर कैमियो, यू कम फॉर अ शॉट एंड यू गो, इट्स डन. सो आई वॉज लाइक इट्स टू स्मॉल ऑफ अ कैमियो, इट्स लाइक अ स्पेशल अपियरेंस, यू कैन इवन कॉल इट अ कैमियो, इट्स लाइक अ स्पेशल अपियरेंस, जो आप आए एक झलक दिखाई कुछ किया आपने, यू लेफ्ट. देन आई सेड स्टिल आई वॉन्ट टू मीट एंड आई सेड आई लिसन टू द थिंग. फिर देन नरेटेड मी द पार्ट ऑफ माइंड, यू नो जो मेरा स्क्रीन टाइम है और जो मेरा सीन है, एंड आई वॉज लाइक दिस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो आई वॉज लाइक वॉट इज द लुक, देन दे टोल्ड मी द लुक, आई सेड द लुक इज इवन मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज आई हैव नेवर डन दैट बिफोर. सो आई वॉज लाइक ओके आई एम ऑन बोर्ड, आई सेड ज़्यादा सोचना नहीं है मुझे बिल्कुल भी, बिकॉज इट्स अ स्पेशल अपियरेंस, पीपल विल नो इट्स अ स्पेशल अपियरेंस, एंड आई एम हैप्पी के आफ्टर अ वेरी हॉट फिल्म लाइक वजह तुम हो, पीपल कंसिडर्ड मी इन अ रस्टिक रोल विच इज़ अ वेरी विलेज लुकिंग रोल. एक्चुअली द गर्ल इज अ वेरी इन अ कॉटन सलवार कमीज, लाइक इट्स अ गाँव का लड़की का लुक इन अ सिंपल सलवार कमीज. सो आई वॉज लाइक एटलीस्ट समबडी सॉ मी इन अ डिफरेंट कैरेक्टर. सो आई थिंक दैट वॉज समथिंग विच आई वॉज मोर हैप्पी दैट यू नो वो आपको वर्सेटाइल काम करना है, बट जब आपको लोग उस तरीके से देखते तो आप इतने वाई डू यू स्टार्ट थिंकिंग सो मच, जस्ट डू इट, एंड आई वॉज लाइक आई एम गोना डू इट एंड आई डिड इट. आपके किरदार के बारे में बात करेंगे, उससे पहले हमने देखा कि जो कैमियो, आपके कैमियो के बारे में जी या एक्चुअली आफ्टर वजह तुम लास्ट ईयर आई हैड लिटिल फिजिकल इशूज, आई हैड लॉट ऑफ फिजिकल इशूज, आई वॉज आई हैड लॉट ऑफ हॉर्मोनल इम्बैलेंसेज, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज समवेयर, इवन दो आई वॉज वर्किंग आउट वेरी हार्ड जैसे आई एम वर्किंग आउट टुडे, बट आई वॉज जस्ट नॉट लूजिंग वेट. सो आई यूज टू गो टू माई फिजियोथेरेपिस्ट एंड गेट माई सिस्टम करेक्टेड, बिकॉज माई इम्यून सिस्टम जो था वो इतना लो हो गया था कि आई वॉज जस्ट ब्लोटिंग आफ्टर. सो जो भी मेरा बॉडी वेट भी था लास्ट टाइम, इफ यू सी नाउ ऑफकोर्स आई एम 7 kgs लेसर, बट उस टाइम भी आई वॉज वर्किंग इक्वली हार्ड, बट माई बॉडी वॉज जस्ट नॉट टेकिंग इट एंड आई वॉज लाइक शिट नाउ व्हाट डू आई डू अबाउट इट. तो ट्रीटमेंट एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन एंड देन फ्रॉम जनवरी एवरीथिंग बिकेम स्टेबल, माई बॉडी स्टार्टेड रिएक्टिंग प्रॉपरली बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट्स दैट आई वॉज गोइंग थ्रू, द फिजियो एंड एवरीथिंग, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट रियली हार्ड, एंड देन आई गॉट दिस फिल्म, आई थिंक दे कॉल्ड मी लाइक almost 10 days before. In that process I think I lost 2 more kgs, but my process was already on because I was like ek film ho gayi hai, it's already released, but if I'm looking forward to get better and do better I also have to get better. So obviously when you're an actor you have to see that your weight is stable. Main actually from last 3-4 years I was fighting to lose that 5 kgs, my body was just not losing 5 kgs, I don't know why, after every day of gymming. And then I got my checkup done and everything, and then I got to know that there are certain problems in the body why I'm not losing weight, and then luckily I solved it and today I'm good and everything is gone and the weight is going and I'm feeling happy, because obviously aap gym bhi jaate ho, aap roz jaate ho, you work out so hard and aapko result nahi dikhta hai to aapko samajh mein nahi aata hai aap kare kya, because you're spending so much of money in the gym, you're spending so much of time in the gym, and obviously you take care of your diet, you give up so many things, and then you're like why am I not getting the results. So I think that was my very, I was somewhere mentally, you know, very low that why am I not losing weight, because I'm not a tall girl and if I put on weight I look even more shorter, so I just don't know what to do. But I'm glad that I found a solution, and I think every girl should, when aapko kuch lagta hai aapki body mein kuch change nahi ho raha hai, it's not happening the way you want to, I think you need a checkup then. So that's very very important. Oh, wow. काफी अच्छे टिप्स दिए आपने हमें. नहीं बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत टाइम बहुत सारे लोगों को लगता है मैं जिम कर रही हूँ मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, मैं डाइट पे हूँ तो भी मुझे वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो उन सबके लिए एक ट्रीटमेंट होता है, वे चेकअप योर ब्लड ये सब, उसमें वो लोग आपको बताते हैं कि यू नो बिकॉज ऑफ व्हाट यू नॉट लूजिंग वेट और बिकॉज ऑफ व्हाट एनी प्रॉब्लम इज हैपनिंग,
internally what is happening to your body nobody knows. So it's very important that you check yourself, and you're checking any which ways. Annual checkup is a must. I do it and my mother does it. We all do our annual checkup of, you know, checking the blood and seeing everything is fine or no. We do head to toe checkup irrespective, and whatever we find is not perfect, then we try to treat it. ओके तो अब हम आपके कैमियो के बारे में बात करेंगे कि कैमियो हमने सुना है कि कुछ अक्षय कुमार की गर्लफ्रेंड बनी आई थिंक जिसे मैंने आपको पहले बोला था स्मॉल इट्स अ स्पेशल स्मॉल अपीयरेंस बट ऑब्वियसली वो कैरेक्टर कुछ तो होगी शी इज नॉट अ रैंडम गर्ल सो ऑब्वियसली द कैरेक्टर ऑफ दैट कैमियो इज अ गर्लफ्रेंड एंड इट्स हाँ लाइक शी इज कॉल्ड लाइक शी इज अ गर्लफ्रेंड ऐसा नहीं है दैट लाइक दे हैव अ हिस्ट्री और समथिंग इट्स अ कैमियो बट द कैरेक्टर इज गर्लफ्रेंड So it's a very cute character. It's a nice romantic character. I don't want to give more details, but it's a nice fun character. I think people are going to like it. It's a sweet thing. It's not like, okay, like when I went for dubbing, I was like, oh, I'm happy with the cameo that I've done. And when I came back, I said, generally, जब आप फिल्म में कुछ छोटा सा करते हो, आपको ऐसा लगता है ठीक है कर दिया, you know, big deal. This is not going to change my life or anything is going to happen. But I don't know if it's going to change my life, my career or anything. But I know one thing that I'm very happy after doing it, and I think that is what matters. Eventually, मुझे ऐसा लगता है कि वट एवर काम जो भी मुझे करना है आई हैव टू बी हैप्पी लाइक आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट इट आई गेट लॉट ऑफ फिल्म आई गेट लॉट ऑफ ऑफर्स बट आई जस्ट फील समवेयर इट्स नॉट अप टू द मार्क लाइक द काइंड ऑफ वर्क आई वॉन्ट आई फील समवेयर दैट इज मिसिंग सो एनी थिंग दैट इम्प्रेसिज मी और यू नो मेक्स मी फील दैट दिस इज द राइट थिंग आई वॉन्ट टू डू आई डू इट जी ओके तो हमने आपको अब तक ग्लैमरस ब्यूटीफुल हॉट अंदाज में देखा है तो इस फिल्म में तो आप बताइए कि किस तरह का एक अंदाज होगा क्योंकि एक मतलब एक नहीं ऑब्वियसली सी यू आर अ विलेज गर्ल बट ऑब्वियसली यू आर अ प्रीटी लुकिंग गर्ल यू नो आई एम नॉट प्लेइंग अ बेगर इन द फिल्म आई एम गोइंग टू बी लुकिंग प्रीटी इन द फिल्म इफ आई एम गोइंग टू वेयर सलवार कमीज दैट डजंट मीन आई एम गोइंग टू स्टार्ट लुकिंग अगली इन फैक्ट गर्ल्स लुक आई फील प्रीटियर इन इंडियन वेयर यू नो आप सलवार सूट पहनते हो साड़ी पहनते हो मुझे लगता है आप ज्यादा सुंदर दिखते हो जो फैक्ट है साड़ी में तो हां सो इट्स ट्रेडिशनल यू कैन No western outfit can take over any traditional look. So I think traditional always makes you look pretty, but this is like little more aisa bhi nahi traditional mein like how a nice indian girl as it's not like a dihati girl who knows nothing jo main se chara ghuma rahi hu it's not even like that kind of a character it's like a nice sweet girl but sweet. But like a village girl so village girl ki jo ek normal salwar suit cotton hota hai something like that but again it's a pretty girl she's nice she's pretty she's vibrant So that scene will talk for itself. जी, first time होगा जो आप इस तरह की pretty girl और pretty girl पहली बार लगूंगी या साड़ी में या इस तरह सलवार सूट में आप दिखाई देंगे करें? या in नहीं I think जयहो में भी I was in सलवार सूट but of course फिर उसमें मैं I was playing a negative villain and all but of course I did सलवार सूट but this is not that that was like a high end सलवार सूट look. Where up you know rich kapde pehen rahe ho your the clothes are very lower middle class type dress hai but the story is not like that but the dress is for me it's definitely like that the story has like a village ab village jaoge to jo log pehnte hain aap wo hi pehnoge na because obviously they're not going to wear a manish malhotra or a sabyasachi over there so it's like that ji 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 to jab bhi aap apne different different andaaz ko jab aap screen pe jab aap apna pehla shot cut karke jab aap screen pe dekhenge ki ye different andaaz ki ab tak logon ke samne nahi hai is film ko jab aapne apna shot complete karke screen pe dekha to kya kuch feeling thi aapki ki ये आप डिफरेंट क्योंकि हमने तो अभी आपका ट्रेलर में हमने अभी देखा नहीं है लेकिन करेक्ट या देखने वाले हैं तो क्या कुछ फीलिंग होती है कि ये एक डिफरेंट अंदाज डिफरेंट लुक गेटअप में अब हम लोगों के सामने आने वाले हैं तो क्या कुछ फील करती हैं आप आई थिंक एज एन एक्टर यू ऑलवेज फील कि यू हैव गिवन योर बेस्ट एंड ऑब्वियसली आई थिंक आप कितना भी बेस्ट दे दो आप जैसे जैसे एक एक फिल्म ग्रेजुएट करते हो यू स्टिल देयर आर चांसेस ऑफ यू बिकमिंग बेटर बिकॉज यू नो यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट एज एन एक्टर आपका एक कंपैटिबिलिटी आपकी टीम You know, to interact with your director, cameraman, your actor, everything changes. Everything changes with time. Today, what I am, I wasn't this 5 years back, or maybe even 3 years back. So time changes, you change, you graduate, you become a better person, you become a better actor. Everything needs polishing. Kehte na, practice makes a man perfect. So you need practicing. You cannot practice all alone at home. Who's going to see it? And you don't even know what you're doing. So every project is, you give your best, but you're still in a way practicing and you are getting better. So you just feel that, okay, this is what I had to offer for this role. I gave my everything. Maybe aage jaake, shayad mujhe yehi role ke liye, is type ke look ke liye, ek full-fledged film mile. जो मुझे आज लगता है मैंने 100% दिया कल शायद मुझे लगे कि नहीं शायद मैं इससे भी अच्छा कर सकती हूँ सो आई थिंक जैसे जैसे यू नो ग्रेजुअली टाइम जाता है थिंग्स चेंज सो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़ बट आई एम श्योर दैट पीपल आर गोना लाइक इट
like they're gonna feel like it was a cute one, you know, it was not something hard. Theek hai, I was there, it's not gonna be that for sure. नहीं, अगर मैं टीचर होती तो मैं बहुत बुरी टीचर होती, बिकॉज लेकिन होती ना, अगर आप एक्टर नहीं होती तो हम ऐसा नहीं 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 मैं एक्चुअली बचपन में जब जो बच्चे होते हैं जनरली उनको टीचर टीचर खेलने का बहुत शौक होता है, मुझे कभी टीचर टीचर खेलने का शौक ही नहीं था, मैं सीधा पनिश कर देती थी. I was a dictator. I can't be a teacher. So, but with time, I am practicing and becoming a better person. मेरे घर में भी people feel I'm a dictator because I have to see that they eat on time. Like I am like a stupid teacher who is having a lot of rules and regulation. So my friends say कि जो तेरा constitution है ना, उसमें amendments जो है ना, every time change होते रहते हैं. So we don't know how to exist with you. Can you just tell us what to do? So my friends are like, to be in a relationship with you as a friend, we have to be careful ki aaj ye kaun sa amendment nikalne wali hai. Because we are clueless. So I think that's of course on a lighter side. But yeah, but I don't know. I think I would have been something more serious, like I wanted to be a customs officer, but I couldn't. I wanted to be a police officer when I was very young. I always thought that they do so much for a country. I still sometimes feel I wish I was a soldier, which is a very weird thing. But you know, when people say ke theater mein jana gana mana hota hai and you should not stand, I feel why should we not stand? Aap apna max ye kar sakte ho ki when that thing is played, you give them respect. They can't see us, but you can feel and you know what they're going through. जो इंसान इज स्टैंडिंग देयर ऑन द बॉर्डर्स एंड सेविंग आवर लाइफ एंड फ्रीजिंग टू डेथ, वी कांट स्टैंड फॉर देम फॉर 2 मिनट्स. आप कौन सा घर में रोज सुबह जन गण मन लगाते हो? सो दैट्स द ओनली टाइम यू गेट. सो आई थिंक इवन दो सुप्रीम कोर्ट हैज मेड अ रूल दैट इट्स नॉट कंपल्सरी, दैट्स वॉट दिव मेड, बट आई स्टिल फील दैट ओनली फॉर द रिस्पेक्ट दैट यू आर सेफ इन योर कंट्री इज बिकॉज ऑफ देम एंड यू मस्ट पे दैट रिस्पेक्ट. Obviously, बहुत अच्छा था. It was a very small time, like a very थोड़ा सा time that I spent with him, but he's amazing. He really made me feel very comfortable. It took me like 20 takes to be comfortable. But no, takes से पहले we did the rehearsals and every time he's like, "Are you comfortable?" I'm like, "Yeah." He's like, "No, you're not." I was like, "No, I'm not." You know, when you see the film, आप कहते ना, ये ठीक है, बोले हाँ. दिख नहीं रहे, बोले नहीं बिल्कुल आपने सही बोला. सो आई थिंक इट रियली टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू हैव दैट लवी डवी काइंड ऑफ अ सीन विद हिम, लाइक यू नो जस्ट ऑन टॉकिंग बेसिस. सो सीन वाइज आई वाज लाइक शिट मैन, आई कांट गेट इट. सो टू ईज दैट थिंग आउट एज अ पर्सन, यू नो इट टेक्स, बिकॉज वैन आई मेरे साउथ में भी प्रॉब्लम होता था कि जब वैन आई टू डू शूटिंग एंड जब मैं किसी को नया नया मिलती थी, मैं वैसा भी इतना बात होता नहीं था, बट देर वॉज अ सीन आई स्टिल रिमेंबर इन माई साउथ फिल्म, वैन माई एक्टर वॉज सिटिंग और मुझे पीछे बैठना था, तेलुगु फिल्म है एंड हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो बाइक चलाता है, मुझे उसे पकड़ना है. मैंने कहा ओके, बाइक चली सब हो गया, मैं ऐसे बैठी थी हाथ रख के, ठीक है. तो मेरे एक्टर ने मुझे बोला कि मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे कोई लड़की नहीं, कोई डॉगी बैठा है. Who holds her boyfriend like this? So I was like, I'm sorry. It takes me a lot of time to get comfortable, and I'm not someone कि मैं सेट पे आते बराबर ही आप मुझे एक रोमांटिक सीन दे दोगे और मैं, you know, मुझे किसी को ऐसे टच करने में भी, I am very different as a person. It took me a lot of time even during वजह तुम हो. Like I still remember मेरा first scene जो entry का था and Gurmeet had to hold me. I couldn't stop laughing. And Vishal is like, can you do the scene and stop laughing? I said, I don't know, because if I have to do a romantic scene na, meri hansi chhut jati hai. I am so bad in doing romantic scenes. Mere koi bhi romantic scenes jitne bhi shoot hote hain, mujhe bahut hansi aati hai. Mujhe pata nahi kyun aati hai, jabki nahi aana chahiye. It's a romantic scene, but I just feel so funny. Mujhe funny scene mein bhi itni hansi nahi aati hai jitni romantic mein aati hai. So I've always had this problem. So with even in this scene, I had the same thing. Like after the scene, he's telling me, okay, you know, like if he's telling me, you can hold me here. Then I'm going to hold him like this.
डोंट लाइक दैट. सो आई थिंक आई हैव दिस प्रॉब्लम. मुझे ऐसा लगता है किसी को लग ना जाए, किसी को कुछ ना हो जाए, थोड़ा यू नो थोड़ी मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ. आई थिंक बट वेन यू हैव अ गुड को स्टार दे मेक यू फील कंफर्टेबल एंड आई थिंक दैट्स व्हाट ही डिड. ही मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल. ओके. अच्छा, लोग ऐसा कहते हैं कि अक्षय कुमार लोगों को बहुत ही हंसाते हैं जी, और कभी कभी लोगों को नर्वस भी करते हैं जी. तो आपके साथ जी मेरे साथ दोनों भी हुआ है. बिकॉज जब हम एक सीन कंप्लीट करते, जब वो शॉट एक जो एक क्लोज है कंप्लीट करते थे, और वापस से जब रन थ्रू एक ओवरऑल सीन का होता था, बिकॉज इट वॉज अ यू नो 2-3 कैमरा सेटअप होता है, एक ओवरऑल ओवर फुल होता है और एक क्लोजअप से होते हैं. एवरी टाइम यूज टू डू समथिंग न्यू एंड आई वॉज लाइक we didn't rehearse this. Like mujhe aisa andar, so after 2-3 takes I realized that I have to be ready for whatever new he gives in, so that I can understand that no matter what he does I have to be in the queue. Like certain things, I don't want to say everything now, but probably maybe after the shoot, you know, after the film is out or something, there were certain things I was like, then I used to like, you didn't do this last time to me. He's like okay, next time I will do that. I was like, because I'm following that queue now. So I think that way he does lot of new things, so you have to be very alert. And of course, if you're working with somebody who's so good in comedy, unka comedy timing is amazing. So you have to keep that thing up. That's when a chemistry is built. Secondly, of course, wo bahut hasate hai, you know, and he is a very funny guy. He has a nice Delhi slang. Agar aapne unse kabhi baat kiya hoga to, to jaise wo filmon mein baat karte hai, real mein bhi waise hi baat karte hai. And it's very rare to see a actor today to talk in Hindi. Otherwise, main generally, you know, when you see an actor, they talk only Hindi in films, but in real, they only talk in English. And Akshay is one who only talks in Hindi even otherwise. So it was a very different, it's a very small thing, but it matters. You know, thoda ek different mahol ho jata, like, oh, so cute. So even when he was talking normally, I realized ki off screen, like after cut also, he talks in Hindi. And then he talks in the same slang what he does on screen. So I think maybe that's the reason he's so good at it. Mm-hmm. So it was amazing doing scenes. And of course, that little add-ons that he do is amazing for the film. Unhone wo jo thoda se comedy scene thoda bahut tha, usse aur comedy bana diya eventually. Well, definitely there is something, but I'll wait till the official announcements are done. But yeah, there are a few things lined up, so I. No. That's something different. Different. Yeah. Like no. Who is gonna take me for biopic? I wish people take me for somebody's biopic, but I would love to do a biopic. But obviously, for a biopic, you have to. I have to prove myself and give better performances and do better films. So yeah, let's see. Well, obviously, film mein sabke favorite Akshay hai, so obviously they're going to come and see the film, and because of that, they're also going to see my work and see something different. Obviously, but not on that scale. But I would really, first of all, I really want to thank everybody who has supported me for this last 5 years. Whether I have worked, I have not worked. I think it's today, you know, even to love your friend is so difficult, you know. So random people, if you love, I don't know how people love random people. Mm-hmm. It's very touching to see that you know, people don't even know me personally. They've never met me. They've never spoken to me. But whatever they've seen of me, they've become my fan and they like me. So thank you, and thank you all my fan pages who make such amazing posts for me. Mm-hmm. I would just say that it's a small special appearance from my end in the film, a small contribution to the film and to the purpose of the film, which is Swachh Bharat. So I support that. I hope that this film brings that message out more strongly, and people also start taking Swachh Bharat more seriously, even people in, you know, rural areas. And guys, please, it's releasing on 11th of August. Please see the film. And if you like my work, whatever, please do give me your reviews. And I think that's what an actor wants. So yeah, and keep loving me. I love you guys back. Keep loving you. Thank you.